मेरी मौजूदगी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर है। एक तरफ गोरखपुर रेलवे स्टेशन जहां अपने लंबे प्लेटफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और खास बात है जिसकी वजह से गोरखपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी मशहूर है, और यही कारण है कि इस वजह से लोग दूर दूर से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आते हैं। क्या है वो खास बात, आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको एक मज़ार दिखाई दे रही होगी। ये मज़ार लगभग 200 साल पुरानी है। अंग्रेजों ने भी घुटने टेक दिए थे इस मज़ार के आगे। क्या है इसका इतिहास, क्यों अंग्रेजों ने घुटने टेके थे, और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं। अक्सर आपने रेलवे पटरियां जो देखी होंगी सीधे देखी होंगी, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो रेलवे की जो पटरियां हैं बीचों बीच ये आपको यहां पर मज़ार दिखाई देगा। बीचों बीच है ये, उधर भी रेलवे की पटरियां हैं और इधर भी रेलवे की पटरियां हैं, लेकिन बीच में मज़ार है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों बीचों बीच मज़ार है, क्यों इसे हटाने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अगर दिक्कतें होती हैं तो हटा भी दिया जाता है, लेकिन इसे क्यों नहीं हटाया गया। इसके पीछे एक अनोखी कहानी है, एक अनोखा इतिहास है, जिसे अगर आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शख्स है जो अपना परिचय खुद देंगे और हम दिखाएंगे और इनसे ही जानेंगे कि इस मज़ार का इतिहास का क्या है। जी, ये दरगाह शरीफ लगभग 200 सालों से मौजूद है, और सन 1930 के आसपास की बात है जब ब्रिटिश सरकार आपके दरगाह शरीफ के ऊपर से रेल की पटरियां बिछा कर जाती थी, और जब सुबह को आती देखती थी पटरियां हटी रहती थी। लगभग एकाध सप्ताह तक लोग प्रयास करते रहे, पटरियां नहीं बिछ पाई। उस समय जो रेल का अधिकारी था उसके ख्वाब में आप हजरत आए, आपने बताया कि आसपास पटरियां बिछा लें, तब जाकर ये पटरियां बिछी। हर गुरुवार के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आकर यहाँ पर हजरत से जो भी मन्नत मुराद मांगते हैं, अल्लाह पाक इनकी दुआ को कबूल करके उन सब की हर एक जायज दुआओं को कबूल करते हैं। तो यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक यहाँ पर बहुत बड़ी एकता देखने को आपको मिलेगी। अच्छा जी, तो जैसा कि आपने सुना कि 200 सालों पहले का ये जो इस मज़ार का इतिहास है, इन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब अंग्रेज यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, इससे आप तो भली बात ही हैं जानते हैं। रेलवे बिछाने की, रेलवे की पटरियां बिछाने का कार्य जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज करवा रही थी, और फिर ऐसा होता है कि जब भी वो पटरियां बिछाने का प्रयास करती थी, जो मजदूर थे जब भी वो रात में पटरियां बिछा कर जाते थे, तो ये पटरियां अपने आप फिर बिल्कुल पहले जैसे हो जाती थी, जिसके बाद से जो ब्रिटिश अफसर थे वो काफ़ी परेशान हो जाते थे। और एक बार रात में ब्रिटिश अफसर को एक ख्वाब आता है, और हजरत जो यहाँ के दरगाह शरीफ हैं उनका ख्वाब आता है, और ख्वाब में वो कहते हैं कि आप इन पटरियों को, मज़ार को बीच में रहने दीजिए और अलग से आप इन पटरियों को बिछा सकते हैं। जब ब्रिटिश अफसर ने वैसा कार्य किया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनको सपने में बताया गया था, उसके बाद से पटरियां बिल्कुल की वैसी ही रही और उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। 200 सालों से ये मज़ार यहीं पर स्थित है। यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। ये हजरत मूसा शाह शहीद रहमतुल्ला अलैह का मज़ार है। आपको ये भी हम अगर बताते चलें तो इस मज़ार को लेकर हर लोगों की अपनी अलग अलग मान्यता है। लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे, कुछ लोगों से मेरी बातचीत जब हुई थी तो वो लोग कह रहे थे कि हम किसी भी प्रकार से अपनी कोई भी मन्नत रहती है जब यहाँ पर सर झुकाते हैं और सजदा करते हैं और अपनी दुआ को मांगते हैं, अपने उनको दुआ में उन्हें याद करते हैं और अपनी जो भी ख्वाहिशें रहती है वो उनसे मांगते हैं, तो हमारी हर ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। इस मज़ार का इतिहास अपने आप में बहुत ही अनोखा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाते चलूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रेलवे की पटरियाँ हैं, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी रेलवे की पटरियाँ आपको दिखाई देंगी और उधर भी आपको रेलवे की पटरियाँ दिखाई देंगी, और बीच में ये मज़ार है, और ये मज़ार जब भी इसे हटाने की कोशिश की गई, ये मज़ार अपने आप में कभी हटी नहीं और यहीं की यहीं स्थित रह गई। यहाँ पे कुछ लोग आए जिनसे हम बातचीत करते हैं। भैया कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं आप? 2 साल से। 2 साल से काम कर रहे हैं जी। अच्छा, और लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे जो भी मांगो पूरा हो जाता है, तो आपने कुछ मांगा? मांगा, हमारा पूरा हुआ। आपका पूरा हुआ सारी जी?
अच्छा, 200 साल से आप यहीं पर काम कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पर कौन कौन आता रहता है? अनेकों प्रकार के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, हम भी हिंदू हैं। अच्छा, आप हिंदू हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ पे अभी आप झाड़ू लगा रहे थे? हाँ, बाबा का सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदू, आपका नाम क्या है? राम अवध यादव। मतलब आप देख सकते हैं हिंदू हैं और यहाँ पर बाबा की सेवा कर रहे हैं। इस तरीके के तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बाबा से अपनी जो भी है ख्वाहिशें या जो भी कह सकते दुआ करते हैं और उनसे अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये जो मज़ार है ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बीचों बीच मौजूद है। और आपको ये भी बताते चले कि ये दरगाह शरीफ की मज़ार है और इसे लोग रेलवे बाबा के नाम से भी जानते हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन जहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए तो जाना ही जाता है, वहीं आप देख सकते हैं कि पीछे अभी ट्रेनें भी चलनी शुरू हो गई है। और ये अपने आप में काफ़ी अनोखी बात है कि बीचों बीच में कहीं कोई अगर मज़ार है तो वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बीचों बीच ये मज़ार है। तो मैं आपको इस मज़ार के इतिहास के बारे में बता रही थी, साथ ही मैंने आपको दिखाया भी है कि कैसे ये रेलवे स्टेशन के बीचों बीच ये मज़ार स्थित है। और आपको ये भी मैं बताते चलूँ कि इस मज़ार को लेकर यहाँ पर दर्शन करने काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो अगर आप भी इस मज़ार का दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। वहीं पर आपको काफ़ी दूर से ही बीचों बीच ये आपको मज़ार दिखाई देगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन आ रही है और यहाँ हर पटरियों पर ट्रेन आती रहती है और ये बीच में मज़ार बना हुआ है। और कई बार ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेजों की सरकार थी, वो इस रेलवे की पटरियाँ बिछाने की काफ़ी तमाम कोशिशें की, लेकिन एक बार वो हार गई और यहाँ घुटने टेक दिए बाबा के सामने। तो ये मज़ार बाबा दरगाह शरीफ की मज़ार है और ये मज़ार अपने आप में अनेकों इतिहास, एक तरीके से कह सकते हैं अनेकों कहानियाँ समेटे पड़ा हुआ है। तो मैं आपको इस मज़ार के बारे में बता रही थी, तो आपको इस मज़ार के बारे में जानकर, इस अनोखे मज़ार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।